दोस्तों दिल्ली में रोहित का तूफान कांप उठा पूरा अफगानिस्तान, अकेले दम पर जिताया मैच, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले भैया, अगर आप भी हैं टीम इंडिया और कप्तान रोहित शर्मा के फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जहां आपको बता दें कि आज भैया वर्ल्ड कप 2023 का 9th ODI मुकाबला खेला गया था। जी हां, जहां इस मुकाबले में आपको बता दें कि यहां पे अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो ऐसे में यहां पे अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। जी इसके बाद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी, तो यहां पे आपको बता दें कि टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन पेश ऐसा कर एक शानदार यहां पे आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल जब यहां पे टीम इंडिया बल्लेबाजी करनी, तो यहां पे एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन आए, और रोहित शर्मा ने जहां पे आपको बता दें कि 84 गेंदों में 131 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 5 छक्के शामिल थे। तो ईशान किशन ने भी आपको बता दें कि 47 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो ऐसे में आपको बताया, जहां इस मुकाबले में भैया कप्तान रोहित शर्मा ने एक शानदार रिकॉर्ड खड़ा कर दिया, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर यह मुकाबला जीता। क्योंकि जहां आपको बता दें कि यहां पे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 36 वर्ष से रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड की झंडी लगा दी। आपको बता दें कि 63 गेंदों में सेंचुरी पूरे करते ही वह भारत की ओर से वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं, और रोहित शर्मा ने 16 चौके और 5 छक्के की मदद से 84 गेंदों में 131 रन बनाए। मैच की बात करें, तो आपको बता दें कि जहां पे इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देख हर कोई हैरान परेशान हो गया, और जहां आपको बता दें कि 6 वर्ल्ड कप में खेलने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने 44 पारियों में 6 सेंचुरी बनाई थी, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने सिर्फ तीसरे विश्व कप की 20वीं पारी में 7 शतक पूरे कर दिए, और 2019 में इंग्लैंड की मुश्किल सरजमी पर खेले गए विश्व कप में रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड 5 शतक बनाए थे, जो कि दिखा रहे हैं कि यहां पे भैया कप्तान रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के आने वाले मैचों में अकेले ही दम पर मैच जिताने का पूरा दम रखने वाले। जी हां, तो आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 अब जीत पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।